सुकेश चंद्रशेखर का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला सामने आया है। सुकेश ने महाठग बोलने पर केजरीवाल पर अटैक किया है। मैं सबसे बड़ा ठग तो मुझसे 50 करोड़ क्यों लिए गए, ये सवाल पूछा है। मैं ठग तो मुझे राज्यसभा की सीट क्यों ऑफर की गई। केजरीवाल जी आप मेरी डिनर पार्टी में क्यों आए, आप जवाब दीजिए। आपने मुझे महाठग बोला तो फिर आखिर आपने मुझे ये ऑफर क्यों दिया। केजरीवाल को लीगल नोटिस मैं भेजूंगा, ये सुकेश की तरफ से कहा गया है। सुकेश चंद्रशेखर ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर, और हमने आपको कल भी एक एक करके वो कौन से 10 बड़े आरोप है वो भी बताया था। लेकिन देखिए अब बड़ी जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है, सवाल पूछे हैं, सवाल दागे हैं कि महाठग बोलने पर ये बताइए कि आपने फिर मुझे इतने सारे ऑफर्स क्यों दिए। अगर आपको मैं एक महाठग लगता हूं तो 50 करोड़ मुझसे क्यों लिए। जी हाँ, मैं ठग हूं तो मुझे राज्यसभा की सीट क्यों ऑफर की गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल जी आप मेरी डिनर पार्टी में क्यों आए हैं। लेकिन अब क्योंकि महाठग आपने मुझे बोला है तो मैं आपको लीगल नोटिस भेजूंगा। हम लगातार देखिए सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से, माफ कीजिएगा, जी हाँ, जो बातें कही जा रही थी, जिस तरीके से आरोप थे वो और ज्यादा यहाँ पर तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अरविंद केजरीवाल पर एक और हमला उनकी तरफ से बोला गया है। हम आपको वो लेटर भी दिखा रहे हैं जिस पर उन्होंने केजरीवाल को चेतावनी दी है, हमला किया है और सीधा सीधा ये कह दिया है कि आप ये बताइए कि आखिर क्यों आप मुझे महाठग बोलकर मुझे राज्यसभा की एक सीट ऑफर कर रहे थे। और वो लेटर देखिए के जरिए सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया है, हमला बोला है। मैं आपको वो दिखा भी रही हूं। केजरीवाल जी आई एम कंट्री बिगेस्ट ठग अकॉर्डिंग टू यू, देन ऑन व्हाट बेसिस यू आर रिसीव्ड रुपीज 50 करोड़ फ्रॉम मी एंड ऑफर्ड राज्यसभा सीट टू मी, सो व्हाट डज दैट मेक यू महाठग। ये सवाल पूछा है केजरीवाल जी, व्हाई यू फोर्स मी टू ब्रिंग 20 to 30 मोर। एक्चुअली जो उनकी हैंडराइटिंग है ये ठीक ढंग से समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये उन्होंने अपनी हैंडराइट से इसको पूरा लिखा है, आप समझिए। और वो लेटर मैं आपको दिखा रही हूँ जिसको लेकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। ज़्यादा बातचीत के लिए अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा अनंत मलिक जो सुकेश चंद्रशेखर के वकील हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत मलिक जी स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ नव भारत पर। सर क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर ने सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा दिया और ये कहा है कि मैं आपको लीगल नोटिस भेजूंगा, जरा बताएं कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको लेकर वो कह रहे हैं कि लीगल नोटिस अरविंद केजरीवाल को भेजा जाएगा। देखिए जब 7 अक्टूबर की चिट्ठी मीडिया में आई तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ बयानबाजी करी, सुकेश को ठग बताया और उसको एक बहुत बड़ा चीट बताया। इस बात को लेके सुकेश की को मानहानि हुई है, इस रिगार्डिंग वो नोटिस भेजने की इंस्ट्रक्शन हमें दे चुके हैं, हम लोग नोटिस प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि उनको राज्यसभा की सीट भी ऑफर की गई थी और साथ ही साथ वो यहाँ पर 50 करोड़ का जिक्र भी कर रहे, तो क्या इन पॉइंट्स को भी रखा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े आरोप होंगे अरविंद केजरीवाल पर। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आनंद जी मेरी आवाज आप तक ठीक ढंग से आ रही है, सुन पा रहे हैं आप? अब मैं आपको सुन पा रहा हूँ, बताइए। क्योंकि जो लेटर लिखा गया है सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर बहुत गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि उसमें 50 करोड़ का जिक्र किया गया है, राज्यसभा सीट का ऑफर का जिक्र किया गया है, तो क्या इन बातों को भी रखा जाएगा? देखिए एक काफी डिटेल लेटर सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा है जिसमें ये तक बोला गया है कि 2016 में कोई हयात होटल में डिनर पार्टी हुई थी जो सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जी ने अटेंड करी थी। उसके अलावा लेटर से ये साफ नजर आ रहा है कि 2015 से ही सब लोग सुकेश चंद्रशेखर के टच में थे, ये सारी बातें लेटर में बयान की गई है। जी तो आप कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाठग शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्या इसको लेकर ही वो लीगल नोटिस उनको देंगे कि एक तरफ आप मुझे डिनर पार्टी में बुला, मेरी डिनर पार्टी में आप आ रहे हैं, बातचीत बकायदा हो रही है, और दूसरी तरफ मीडिया के सामने इस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्या जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? देखिए ऐसा है कि महाठग बोल दिया गया है, सुकेश पे कितने भी मुकदमे हों आज तक कभी भी कन्विक्शन नहीं हुआ है, कोई भी आरोप कोर्ट में कभी सिद्ध नहीं हुआ है, तो ऐसी अवस्था में महाठग बोलना एक बहुत ही बड़ी गलत बात है। इस रिगार्डिंग सुकेश चंद्रशेखर जी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि हम लीगल एक्शन लें। जी अनंत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज एक तरफ वो लेटर हम दिखा रहे हैं जो अपनी राइटिंग में खुद
सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा है और उसमें वो बता रहे हैं और उनके लॉयर भी अभी हमें बता रहे थे कि 50 करोड़ का जिक्र है, राज्यसभा सीट का जिक्र क्या क्या है। सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि मेरी डिनर पार्टी में आप आते हैं और दूसरी तरफ जनता के सामने मुझे महाठक कहते हैं। लीगल नोटिस तो मैं आपको दूंगा, लेकिन अनुज ये बताए कि क्या ये आम आदमी पार्टी का डबल स्टैंडर्ड है? जी देखिए, जहाँ तक सुकेश चंद्रशेखर की बात की जाए तो सुकेश चंद्रशेखर ने जो आरोप लगाए हैं, खासतौर पे 50 करोड़ की बात की जाए या जेल में फैसिलिटेट करने के लिए, जेल में सुविधा मुहैया कराने के लिए सत्येंद्र जैन पर जो आरोप लगाए थे, ये लेटर पहले ही सुकेश चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया था, जिसको लेकर जब अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर के बारे में महाठग शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर अब सुकेश चंद्रशेखर ने एक और लेटर लिखा है जिसमें साफ तौर पे सुकेश चंद्रशेखर का ये कहना है कि अगर मैं महाठग हूँ तो मेरी डिनर पार्टी में आप क्यों आए थे, क्यों मुझे राज्यसभा एमपी का ऑफर दिया गया था, क्यों मुझे जो दूसरे मंत्री हैं उनके द्वारा सुविधा मुहैया कराने के लिए पैसे मांगे गए थे। ये तमाम आरोप जो हैं वो सुकेश चंद्रशेखर द्वारा जो हैं वो लगाए गए हैं। हमने देखा कि इस लेटर का, जो इससे पहले लेटर लिखा गया था, उसमें भी जो आरोप लगाए थे उसका असर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला जब कल तिहाड़ जेल के डीजी का ट्रांसफर कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर ये जो लेटर लिखा गया है इसका असर आगे आने वाले दिनों में जरूर देखने और को कितना असर इसका होता है, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं। देखना होगा, लीगल नोटिस तो उनको भेजा ही जाएगा, लेकिन अब कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी ये सबकी नजर इस पर टिकी रहेगी। अनुज बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पल पल के अपडेट यूं ही आपसे लेते रहे।